नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइबर हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष क्या है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए हम बताते हैं कि यह क्या है। दोस्तों, यह ऐसा पोर्टल है, इसमें आप अपना अंशदान जमा कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से, आपका जो भी बजट हो, आप अपने हिसाब से इसमें पैसा अनुदान कर सकते हैं। और उस पैसे का क्या होता है? तो दोस्तों, उस पैसे का यह होता है कि जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, बाढ़ और भारी वर्षा, अकाल, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनकी सहायता इस राष्ट्रीय राहत कोष के जरिए जो पैसा जमा होता है, उस पैसे से उनकी सहायता की जाती है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जितना भी अनुदान जमा होता है, उस सभी अनुदान की जो राशि होती है, वह प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए खर्च होती है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में सिर्फ छोटे से शब्दों में मैंने यही बात कही है। तो आप इसमें अपने हिसाब से पैसा जमा कर सकते हैं। तो चलिए, हम अनुदान कैसे कर सकते हैं इसमें, उसी के बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम बताते हैं कि आपको कैसे अनुदान करना है। तो उससे पहले दोस्तों, आपसे करूँगा एक गुजारिश, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये वाला रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपको आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर यहाँ लिखा है अनुदान करिए। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने अनुदान करने का पेज ओपन हो जाता है। अनुदान करने से पहले आप इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किस किस चीज़ से आप अनुदान कर सकते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इनको सिंपली पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है अपना मोबाइल नंबर, और फिर दूसरे बॉक्स में आपको टाइप करना है यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको अपना टाइटल चूज़ कर लेना है, मिस्टर, मिसेज या जो भी हो, आप जो भी आप देना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको अपना प्रथम नाम, अपना फर्स्ट नाम यहाँ पर टाइप कर देना है, और यदि आपका कोई उपनाम है तो आप उसे भी यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और फिर यहाँ से इंडिया, यदि आप इंडिया से ही है तो आप यहाँ पर इंडिया ही रहने दें, यदि किसी विदेश से है तो आप यहाँ पर किसी अन्य देश को चुन सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए, अपना राज्य, और यहाँ पर आपको अपना नगर चयन कर लेना है, आपका जो नगर है वो चयन कर लेना है। चलिए, यहाँ पर आपको अपना अपना नगर यानी कि आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपना पूरा पता लिख देना है, मकान नंबर सहित। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना पिन कोड और मकान नंबर सहित आपको अपना पूरा पता यहाँ पर टाइप कर देना है, इस वाले बॉक्स में देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है,
और देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, कृपया नोट करें कि आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अथवा भारतीय बैंकों के नोट नेट बैंकिंग से अनुदान कर सकते हैं। यहाँ जो आप अनुदान कर सकते हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको आ जाना है नीचे अनुदान विवरण में, यहाँ पर देख सकते हैं एवं शर्तें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी राशि टाइप कर देनी है, आप कितनी राशि अनुदान करना चाहते हैं, जो भी आपकी हिसाब आपका बजट बनता है आप वो राशि यहाँ पर टाइप कर दीजिए। और फिर यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड संख्या टाइप कर देनी है, इस वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं पैन कार्ड संख्या टाइप कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपको ये वाला कैप्चा कोड फिल कर देना है, ये देख सकते हैं ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर दीजिए इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अनुदान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। चलिए मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। सरकारी बजटीय सहायता से या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बैलेंस शीट से किया गया अनुदान स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे सशर्त अनुदान जिसमें दाता द्वारा यह उल्लेख किया जाता है कि अनुदान की राशि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं किए जाते। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष केवल भारतीय नागरिकों की सहायता, ऐसे अनुदान जिसमें अनुदानकर्ता यह उल्लेख करता है कि राशि किसी विदेशी नागरिकों अथवा आपदाओं के लिए है, स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि यदि आप राशि इसमें अनुदान कर रहे हैं और किसी विदेशी विदेशी तकनीक में आप अपनी अनुदान राशि को यूज करने के लिए यहाँ पर अनुदान कर रहे हैं, तो यह मान्य नहीं होगी। यह सिर्फ भारत के जो प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति है उनकी सहायता के लिए ही यह अनुदान प्रयोग किया जाता है, और इस अनुदान का पूर्ण प्रयोग उनकी सहायता के लिए ही किया जाता है। तो आप ये सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर अनुदान के लिए उपरोक्त शर्तें मुझे स्वीकार है, इस पर राइट क्लिक कर दीजिए अपनी सभी इन्फॉर्मेशन भर के, और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको ये पेमेंट मोड पर ले जाएगा। तो आप वहाँ से डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, अनुदान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ यही बताया है कि आप राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजकोष में कैसे अनुदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा है, ये किसी की मदद करने का ये अच्छा पोर्टल है। जैसे भारत में हर जगह में कहीं ना कहीं बाढ़ और सूखा आ जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफें होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हिंदी में।